गाइस, अभी हम लोग के घर में फिश आई है और ये उसका एग है। गाइस यहाँ पे देखिए फिश को धोया जा रहा है। और फ्रेंड्स ये भी आप देखिए फिश का एग है, ठीक है। इस फिश में लहसुन और टर्मरिक और सॉल्ट, ये तीनों चीज इसमें रखा है। वेलकम बैक टू माई चैनल गौरव एंड श्रुति ब्लॉग। आई एम श्रुति, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स मैं आई हुई हूँ अपने घर, आपको पता ही है। और आज जो मैं लंच में बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी फिश। और जो फिश मैं बना रही हूँ उस फिश का नाम है रोहू फिश। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इसका साइंटिफिक नेम है लेबियो रोहिता। तो फ्रेंड्स आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, मैं जो फिश प्रिपेयर करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स ये भी आप देखिए फिश का एग है, ठीक है, इसे भी मैं बनाऊंगी। और फिलहाल यहाँ देखिए फिश। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने फिश में लहसुन और टर्मरिक और सॉल्ट, ये तीनों चीज़ इसमें रखा है, इसमें मिक्स करूंगी मैं, फिर अपने प्रिपरेशन को आगे करूंगी। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे रखा हुआ है एक फिश का, इसमें लहसुन और मिर्च का पाउडर है जिसे मैं मिक्स कर रही हूँ। गर्मी बहुत है, अभी मैं पंखे की हवा ले रही थी और अभी मैं यहाँ आई हूँ फिश को देखने के लिए। कर लिया कि उसका टेस्ट कैसा है ये देखिए, बहुत ही यम्मी बना था गाइस। देखिए एक का पकौड़ी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ जो आपको दिखाया था फिश का एक, उसका मैं पकौड़ी बना रही हूँ। तो फिश का एक में मैंने हल्दी पाउडर, नमक, कुछ बेसन ले लिया और मिक्स करके अभी मैं जिस तरह पकौड़ी बनाते हैं उसी तरह बनाना है। यहाँ देखिए मैंने इतने सारे डाले भी हैं पैन में, आके दिखाओ। और इतना थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे भी मैं इतना और एक थोड़ा इसे भी मैं इस तरह करके डाल दूँगी। इसे जाओ ना खाली इधर खड़े कढ़ाइए लोग। ये भी खाने में बहुत यम्मी लगता है। वैसे तो अपना अपना टेस्ट है, किसी को यह नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, यह नहीं लगता। कितना एक क्या चीज़ दिखा है फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ फिश फ्राई करके रखी है और यहाँ फिश के एक की पकौड़ी बना के भी मैंने रेडी कर लिया है। और अब मैं बनाऊँगी ग्रेवी। फिश के लिए ग्रेवी मुझे तैयार करना है और ग्रेवी के लिए जो मैंने मसाले का यूज़ किया है वो है सरसों। इसी में मैंने सारा डाला हुआ है फ्रेंड्स, सरसों है, जीरा है, लहसुन है, गोल मरीच है, हल्दी का पाउडर है, मिर्च का पाउडर है, ये सब मैंने यहाँ पे ले लिया है। इस सबको मैं मिक्स करके पेस्ट बनाऊंगी। और यहाँ देखिए मैंने टोमेटो की भी कटिंग की है, ये भी मैं फिश में डालूंगी। और ये थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे मेथी रखा हुआ। तो फ्रेंड्स आप बने नहीं मेरे ये देखिए बॉयल हो गया है पूरा एकदम। तो फ्रेंड देखिए बॉयल हो गया है, मैं इसमें डालूंगी फिर जो हमने फ्राई करके रखा था।
फाइनली हमारी फिश कड़ी बनके रेडी है, रोहू फिश कड़ी। तो आप देखिए कितना ही खूबसूरत कलर आया है। नाइस, अब खा के बताएंगे कैसा लगा है। हाँ तो फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे फैमिली मेंबर को फिश कड़ी कैसा लगा। फ्रेंड्स फैमिली, आज का लंच है फिश कड़ी और चावल।